हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ छिलके वाली मूंग की दाल। तो छिलके वाली मूंग की दाल को मैंने अच्छे से साफ़ करके रात में पानी में भिगो के रख दी थी, और इसे मैंने अच्छे से धो के इसके छिलके निकाल ली हूँ और कुछ छिलके रख दी हूँ। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब मिक्सर जार में मैं एक प्याज डाल दूँगी, इसे मैंने बारीक कट करी हो। हरी मिर्ची, इसे दो टुकड़े में कट करी हो। दो चार लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, दो टमाटर, और एक कटोरी पालक जिसे मैंने अच्छे से तोड़ के वॉश करी हो, मैं धो के रख दी थी। अब इसे अच्छे से पीस लेते हैं, थोड़ा सा मोटा ही, दरदरा सा, तो ये पीस चुका है। तो आइए गैस ऑन कर लेते हैं। तो मैंने कुकर पहले से ही धो के रख दी थी, तो इसमें थोड़ा पानी रह गया था, तो मैं इसका पानी फेंक दी हूँ। अब इसे गर्म होने दूँगी। तो ये गर्म हो चुका है, तब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, तो एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते को अच्छे से धो के डाली हूँ, और पिसा हुआ मसाला था उसे भी मैंने इसमें डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये मिक्स हो चुका है, मसाला पक रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर को थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी मिर्ची ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। स्वाद अनुसार नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तब इसमें डालेंगे मूंग की दाल छिलके वाली, इसे धो के रख दी थी। दो चार पीनट इसे मिक्स कर लूंगी। अब इसे ऑयल में ही पकने देना है, यानी कि तेल में। तो इसमें मैं डाल दूंगी अब पानी। तो सबसे पहले मैंने मिक्सर जार में मसाला लगा था वो पानी को डाल दी हूँ, उसके बाद मैं एक गिलास पानी डाल दूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगा के इसे दो तीन सीटी होने तक पकने देंगे। तो ये पक चुकी है दाल, तो मैंने इसका ढक्कन हटा दी हूँ। तो आइए चेक कर लेते हैं सब्जी कैसे बनी। तो सब दाल पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया को मैंने अच्छे से बारीक कट करके धो के इसमें डाल दी हूँ। आप चाहे तो इसमें और थोड़ा पानी डाल सकते हो।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मूंग की दाल तैयार हो चुकी है, तो आइए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और गाइस, मूंग की दाल किस किस को पसंद आई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आप सभी लोग मेरे वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं देते हो, तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, और लाइक देने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, एक ही तो लाइक देनी है आपको। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए और घर में ही रहिए। तो इस टाइम बाहर कोरोना है, कोरोना को हमें हराना है और हमें खुद जीतना है।